सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। सो जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है वो लोग कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स की फाइलिंग डेट्स नियर बाय है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लिंक आधार पे क्लिक करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग पैन नंबर और वही आधार नंबर जिस पे आपके जो नेम हो वो मैच करते हो उनकी डिटेल्स को फिल करना होगा। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो उसको डालना होगा एंड उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। देन उसके आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए, आपने ई पेमेंट टैक्स पे क्लिक किया, तो करस्पॉन्डिंगली आपको ओटीपी मांगेगा और ओटीपी मांगने के बाद आप अंदर ई पे टैक्स के ऑप्शन में जाओगे, जहाँ पर आपको चूज़ करना है इनकम टैक्स। जो रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर है वो चूज़ करिएगा, जो टाइप ऑफ पेमेंट होगा दैट इज़ माइनर हेड। अदर रिसिप्ट्स की माइनर हेड में आपको पेमेंट करना होगा, याद रखिएगा। अदर रिसीट्स की माइनर हेड पे जो टैक्स का पेमेंट होगा 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट लगेगा आधार और पैन को लिंक करने के लिए। एंड करस्पॉन्डिंगली आप जो प्रोसेस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप उसको फॉलो करते चले जाओगे। देन आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, बैंक का डेबिट कार्ड हो गया, RTGS हो गया, इवन QR कोड, वॉट एवर जो आपके पास ईजी एक्सेसिबल हो आप उससे 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है 24 से 48 घंटे के अंदर जो आपका स्टेटस होगा वो लिंक दिखाने लगेगा। देन आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो एंड करस्पॉन्डिंगली जो भी बेनिफिट्स हैं उसके बाद वो सारे आप अवेल कर सकते हो।